सीतापुरा में जो आपका JECC सेंटर है उसमें भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है, और वहां पर न तो पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो पा रही है, न वहां पर भोजन की व्यवस्था प्रॉपर हो पा रही है, और बड़े बड़े लोग जो जिसका 60 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, वो लोगों को सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। तो एक तरफ तो उनको परेशानी हो रही है, बीमारी बीमार है, दूसरी वो ऊपर चढ़ के जाने में उनको तकलीफ हो रही है। तो वहां पर भी एक तो सफाई की व्यवस्था हो, दूसरा वहां पर हवा के लिए पंखे की व्यवस्था हो, भोजन उनको समय पर भोजन मिले, नाश्ता मिले, पानी मिले, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। वहां पर रोजाना शिकायत आ रही है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अभी किशनपुर विधानसभा में एक यादव फैमिली के लगभग 42 लोगों को वहां पर क्वारंटाइन किया हुआ था, उसमें सब लोग निगेटिव आ गए हैं, उसके बावजूद भी उनको वहां से हटाया नहीं गया है। जबकि अभी आपने कहा कि जो लोग अपने घरों में क्वारंटाइन कराना चाहते हैं उनको वहां पर क्वारंटाइन कराने के लिए हम सरकार राज्य तैयार है, तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि उन लोगों को घरों पर ही क्वारंटाइन करा दिया जाए, ताकि उनके घर वालों की डॉक्टर्स के सानिध्य में देखभाल कैसे हो सकती है, वो हो सकता है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव ही जो आ रहा है, और उन लोगों को भी हम अगर ऐसे घरों में रखकर उनके घरों को घर वालों को व्यवस्था देंगे तो वो घर वाले उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकेंगे, मेरा ये कहना है। दूसरा, जो परकोटे में लोग रहते हैं, परकोटे में कर्फ्यू भी लगा हुआ है, और कर्फ्यू के दौरान जो वहां पर जो स्थिति है, वहां पर किराएदार बहुत हैं, किराएदार लोग बहुत हैं, वहां पर ठेला चलाने वाले लोग बहुत हैं, वहां पर छोटे मजदूर बहुत हैं, नाई और धोबी जिनकी दुकानें बंद है, वो भी नाई और धोबी परकोटे में अक्सर हैं, तो उनको चिन्हित करके उनको राशन की व्यवस्था हम कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं, ताकि कई लोग ऐसे हैं जो अपने स्वाभिमान के कारण वो घर बाहर कहीं गली पर या रास्ते पर आकर राशन मांगते नहीं है, भोजन मांगते नहीं है, पर उनकी पारिवारिक स्थिति हम अगर देखें तो बड़ी भयावह स्थिति है। तो उन लोगों को हम अब सरकारी माध्यम से लगाकर इनको लगाकर सरकारी लोगों को लगाकर उनको चिन्हित कराएं, ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और एक दूसरा, जिस तरह से जो लॉकडाउन है और परकोटे में कर्फ्यू है, रामगंज बाजार जो कर्फ्यू क्षेत्र है उसमें उसको सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है। वहां पर कोई लोग कहाँ जा रहा है, कोई लोग कहाँ जा रहा है, रामगंज में केवल एक पेशेंट था पॉजिटिव, और आज उसके कारण रामगंज में 600 के लगभग, जहां तक मेरी जानकारी है, 600 के लगभग वहां पर पॉजिटिव केस आ गए। अगर हम वहां से सख्ती से उसी दिन उसको पालन करते तो मैं समझता हूं कि आज ये स्थिति नहीं होती। आपका सोच अच्छा है, बाकी आपके नीचे जो भी विधायक गण है वहां के लोग, उन्होंने राशन सामग्री वितरण में बड़ी धांधली मचाई हुई है, और आपने कल आज का अखबार भी, आज के अखबार में भी छपा है कि वहां पर मजदूरों का सब्र टूटा और वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, डिस्टेंस भूलकर वो उस तरह से भीड़ को लेकर खड़े हुए हैं। परकोटे में जिस तरह से राशन सामग्री का, मैं नहीं कह रहा है, अखबार कह रहे हैं, राशन सामग्री का जो वितरण है वो एक भेदभावपूर्ण हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कर्फ्यू एरिया है, परकोटा एरिया है, वहां पर सभी लोगों को चिन्हित करके वहां पर सब लोगों को राशन देंगे तो ये ऐसी स्थिति अखबारों में छपने वाली स्थिति नहीं होगी। हम सब चाहते हैं, आप और हम सब मिलकर राजस्थान को हम कैसे बचा सकते हैं, जयपुर को हम कैसे बचा सकते हैं, इस पर हमारे को पहल करके काम करना चाहिए। अभी राजनीति का समय नहीं है, अभी हम सब लोग मानव की रक्षा कैसे कर सकते हैं, मानव जाति की रक्षा कैसे कर सकते हैं, ये समय है। हम सब लोगों को राजनीति छोड़कर और मानव की सेवा करने का काम करना चाहिए। और एक दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से जो मजदूर लोग यहाँ पर, जैसा अभी आज अखबार में छपा है कि बंगाल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, और वो सब अपने अपने गांव में, गांव जाना चाहते हैं, अपने शहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था, हमारे लोगों की आवश्यकता, तो आप हमारे को भी बोलो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और साथ लग के और हम सब किस तरह से अच्छी व्यवस्था हो सकती है उस व्यवस्था को करने के लिए हम तैयार हैं, ताकि इस तरह से जो
हम एक तरह तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ सैकड़ों लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, तो वो लोग जमा भी नहीं होंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया कि ट्रेनें चालू की है, और एक राजधानी ट्रेन जो जयपुर दिल्ली से अहमदाबाद जाएगी, वो दिल्ली उसका जयपुर में उसका स्टॉपेज भी है, तो जयपुर स्टेशन पर भी हम क्वारंटाइन करा सकते हैं। उस जयपुर स्टेशन पर भी हमारे को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्वारंटाइन के लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। आप जैसा बताएंगे वो उसको लिए हम जयपुर का सांसद हो नाते के नाते मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब आप लोगों के साथ मिलकर एक अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। दूसरा, परकोटे के लिए मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि परकोटे में राशन की व्यवस्था प्रत्येक परिवार को, विशेषकर करीब किराएदार रह रहे उनको, जो नायिका धोबी का काम करते हैं उनको, जो ठेले चलाने वाले उनको, जो दहाड़ी मजदूर हैं उनको, सबको राशन की व्यवस्था प्रॉपर हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम आपके माध्यम से होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, जयपुर में पांचवा है आपका जी, पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, दूसरा नहीं है। हाँ। मैं जयपुर का सांसद हूँ, 8 विधानसभा मेरे पास है, तो कम से कम 8 पॉइंट तो बता दूं आपको। हो गया, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मैं ये कुछ बात विशेष कहना चाहूंगा, जयपुर में 8 विधानसभा, 10 विधानसभा है हमारी, और 10 विधानसभा जब 8 विधानसभा, 2 विधानसभा झोटवाड़ा और आमेर भी लगता हुआ है, तो इसमें सैनिटाइज की प्रॉपर व्यवस्था अगर हो जाए तो हम इसको बीमारी से बच सकते हैं। एक पानी और बिजली के बिल जो आपने 2 महीना डेफर किया है, मैं ये चाहूंगा कि इन बिलों को आप 2-3 महीने के लिए, जब तक ये क्वारंटाइन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाए, तो 2-3 महीने के लिए इनको माफ कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो किराएदार है और छोटे लोग हैं उनको बहुत अच्छा एक लाभ मिलेगा। और मैं पुनः आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक हेल्पलाइन जो आपने बनाई है कलेक्ट्रेट में 181, उसको प्रॉपर व्यवस्थित वो हो जाए, क्योंकि कभी तो उसका फोन उठता नहीं है, फोन उठता है तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। तो